रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आफ्टर दी क्लासिक होंडा लाइसेंस, पिछली भी पड़ी हुई है। ले जी, हमने ये कुछ चीज़ें ड्रा की थी, इसके अंदर हमारे पास कुछ ये भी ड्रा हो गई थी, कंपोनेंट्स हम बेसिकली उठा रहे थे वहाँ से अपने इंसर्ट सेंटर से। अगर मैं किसी भी कंपोनेंट को डबल क्लिक करूँ और मैं यहाँ से पार्ट पे चला जाऊँ और मैं यहाँ से पार्ट से चला जाऊँ, तो मेरे पास, अगर मेरे पास कोई मेरा ऐसा पेड लाइब्रेरी होगी, ठीक है, तो वो यहाँ पे मेरे पास सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं इसको एक्चुअल कंपोनेंट भी असाइन कर सकता हूँ। पहले तो मैंने रैंडमली उठा उठा के रखता गया हूँ, यहाँ से देखें एक्चुअल कंपोनेंट है, मैं वो भी लूँगा, वो दूंगा, तो वो एक्चुअल कंपोनेंट ही यहाँ लगेगा उसी रेटिंग और उसी पार्ट नंबर के साथ, तो वही होगा पार्ट नंबर। तो दिस इज़ अ प्रोसीजर फॉर, आपने डबल क्लिक किया अपने पार्ट पे, देखते हैं यहाँ कोई पार्ट नंबर नहीं, जेनेरिक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ तो ये एक फ्यूजेज है या जो भी है, वहाँ से मैं अपने इसमें से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एज सच तो कोई चीज़ नहीं मिलनी। अगर मैं ओके करूँ तो वो पार्ट नंबर उठा रहा है यहाँ से, और मैंने इसको ओके किया तो ओके कर दिया, तो देखें उसने कुछ चीज़ें ये डाटा वगैरह उठा लिया, अब ये वही पार्ट नंबर है जो कि एक्चुअल है, जो कि मैन्युफैक्चर का बना हुआ है। तो मेन चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चर के पार्ट नंबर को के साथ ही एक्चुअल पैनल बना रहे हैं। तो ई प्लान ने काफ़ी अच्छी कलेबोरेशन करके कंपनीज के साथ उनके साथ उनका डाटा वगैरह शेयर किया हुआ है, और वो उसकी फाइल्स मिल जाती हैं सीमेंस और अदर ब्रांड्स की भी। तो ये हमारा था एक स्कीमेटिक्स का पैटर्न, हमारे इसमें चार पैटर्न है जो हम करेंगे। एक है जी स्कीमेटिक्स है जो हम कर चुके हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे जो मसले मसले आएंगे वो भी ठीक कर लेंगे। दूसरा आता है रिपोर्टिंग, एक एक है 2D लेआउट और एक है 3D लेआउट। तो कुछ पोर्शन हम स्टार्ट में कर देंगे, कुछ हम बाद में करेंगे, या शायद इकट्ठे ही कर दें। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एक बूट कैंप क्लास, राइट क्लिक न्यू, व्यू में चले गए, जहाँ से मैं एक नया बनाता हूँ जी, लेट्स से तो पैनल ले। अच्छा, आप लोगों ने वो बनाया है अपना ई पल्स के ऊपर अकाउंट, लाइब्रेरीज वगैरह वाला जो मैंने कल काम कहा था? चलें हाँ जी, बना लिए जी, जी। बना साइलेंट जी कर बना दिया लिए। फिर। नहीं चलें, गुड हो गया। तो देखें जी, यहाँ से अब मेरा जो पैनल टाइप है, मेरा पेज टाइप है, वो पैनल लेआउट है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑनलाइन कंट्रोल डायग्राम है, तो मैं यहाँ पे इसको भी पैनल लेआउट भी येलो कह देता हूँ, और स्केल अभी इसका 1:1 ही है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये चेंज कैसे होगा, 1:1 का मतलब है 1:1 पेज का है, 1:1 कंपोनेंट्स का है, तो 1:1 का मतलब है वो मुनासिब आ रहे हैं, जैसे हैं उसी साइज में आ रहे हैं। लेकिन बास का ये होता है कि ड्राइंग आपकी छोटी बड़ी लग रही होती है, तो फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसे ओके करता हूँ मेरे इस पेज को, और मैं इसको ओके कर दिया, देखें ये खाली एक पैनल लेआउट का पेज बन गया, उसका सिंबल भी डिफरेंट है। अगर मैं पुरानी ही ड्राइंग पे आऊँ, ये वाली ड्राइंग पे आ जाता हूँ, और इस पे मैं जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर देखें ये इसका जो लेआउट है वो डिफरेंट है। तो अगर मैं कर देता हूँ 1:1, यू कैन सी दैट ड्राइंग छोटी हो गई है। वन रेशियो टू कर दूँ, देखें ड्राइंग तो बहुत ही छोटी हो गई है। इस तरीके से आप अपने इसको सेटिंग कर सकते हैं। मैंने 1:3 किया तो दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, 1:3 और 1:1 किया, 13:10, तो ये आप कर सकते हैं। पैनल लेआउट में आते हैं। अच्छा, पहले हम जाते हैं उसके अंदर भी लाइब्रेरीज को जो कि आपके पास ऑलरेडी हैं। ये मेरे पास ई प्लान का डाटा पोर्टल है, होप सो आप लोगों ने अकाउंट बना के इसके अंदर रजिस्टर कर लिया होगा। अच्छा, इसके अंदर ये मेरे पास, जब आप डाटा पोर्टल पे क्लिक करेंगे ये पेज आएगा,
यहाँ से हम मैन्युफैक्चर की ये इसको, फोन साहब वो शेयर नहीं हो रही है आपकी स्क्रीन, ई ई प्लान पोर्टल वाली। नहीं, ये देखें जी, डाटा पोर्टल मैंने इसको कर दिया जी। और इसके बाद देखें यहाँ पे, अब आपके पास मैन्युफैक्चर मौजूद है, इसको करते हैं, मैं क्लियर करता हूँ फिलहाल, क्योंकि आपको क्लियर मिलेगा। इसमें लाइब्रेरीज के साथ फेमिलियर होना और खेलना मेन थिंग है, तो इसलिए अभी हम इसके अंदर डिटेल में देखते हैं हमें कौन सा डाटा चाहिए। आप अगर कोई भी पार्ट ऑटो कैड में बनाते हैं और उसकी DXF फाइल बना के आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऑटो कैड से लोग फेमिलियर हैं, DXF के अंदर कन्वर्ट भी हो जाती है सेव एज करके। तो देखें जी, मैन्युफैक्चर पे क्लिक किया तो ये मैन्युफैक्चर मौजूद है जी हमारे पास, ABB है जी, और दूसरे भी हैं, हैसबिल, वेल्डन, बाइगर। तो यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर, फाउंडर। सो आई कैन यूज एन ए सिमन। तो देखें जी, ये मेरे पास शिनाइडर भी है, इसमें सीमेंस भी है, तो आई कैन अप्लाई दिस वन। देखें, दो मैन्युफैक्चर मेरे पास सेलेक्ट हो गए, किसी को निकालना चाहता हूँ यहाँ से, मैं निकाल देता हूँ। अब इनके कैटलॉग देखते हैं, सेलेक्ट किया और ई प्लान प्रोडक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 73,000 कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। एम्पलीफायर्स हैं, केबल्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, एंड अदर सो मैनी थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल, टर्मिनल्स, ट्रांसफार्मर्स। वी कैन गो टू दी सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट दैट इज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, दीज आर दी सर्किट ब्रेकर्स। और मैं इसे अप्लाई करता हूँ, अच्छा इसका इसका नुकसान क्या और फायदा क्या, अभी आप खुद ही देख लेंगे कि अगर लाइसेंस वर्जन हो तो फायदा क्या है। इसकी डेटा टाइप हमें कौन सी चाहिए, यहाँ से देखें, कमर्शियल डेटा चले आ जाए इसका। इसकी 2D मुझे ग्राफिक्स चाहिए, 3D भी मिल जाए तो DXF डेटा आ जाए। अप्लाई कर दिया मैंने, देखें उस कैटेगरी में जो जो डाटा था उसके पास उसने शो कर दिया। और यहाँ पे देखें, ये वो 3 पोल ब्रेकर है, सिंगल पोल है, तो आई कैन डाउनलोड एनी वन, यू कैन सी दैट। इस पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड DXF डाटा, आई कैन आल्सो डाउनलोड अदर डाटा, आई कैन ऐड टू माय डाउनलोड लिस्ट। ये सिंगल पोल ब्रेकर है, इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी तरह मजीद ब्रेकर भी पड़े हुए हैं, तो आपको सर्चिंग तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी अपने कंपोनेंट की जो कि आपको चाहिए। तो आप सर्च के लिए भी, अगर आपको कुछ कंपोनेंट मिल जाते हैं, कुछ नए भी मिलते हैं, तो आपको सर्चिंग भी करनी पड़ेगी। तो PLCs हैं, वो स्विच गियर हैं, तो यू कैन इवन सर्च योर सर्किट ब्रेकर 10K3+ न्यूट्रल, ये है 2 पोल। लेट्स से ये 3 फाइल्स मैंने डाउनलोड कर ली हैं, अच्छा अब इस पे थोड़ा सा काम करते हैं जी। इस पे ये पैनल लेआउट है, तो हम पहले जाते हैं जी यहाँ पे इंसर्ट के अंदर, 2D पैनल लेआउट, इस पर क्लिक किया। और यहाँ पे मैंने एक, मुझे स्पेस मांग रहा है जी पैनल माउंटिंग पैनल के लिए, तो मैंने देखेंगे किया, तो मैं रफ हैंड से एक स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ।
और आई कैन आल्सो मेक अ स्पेस यूजिंग द डिमेंशंस. लेट से मैं इसमें वन फिफ्टी स्पेस माइनस 150 एंटर कर देता हूँ. अब वो कह रहा है ये माउंटिंग पैनल, यानी कि ये बेसिकली पैनल पैनल की बैक प्लेट है ये, उसलिए वो पार्ट नंबर मांग रहा है अगर आपके पास मौजूद है तो. ऑब्वियसली हम जो सफ़र कर रहे हैं लाइब्रेरीज के साथ, यहाँ पे मौजूद ही नहीं है. यहाँ पे खुली डुली लाइब्रेरी होती तो ज़िंदगी आसान हो जाती. फिलहाल हम ये मैंने एक क्रिएट कर लिया जी. आई कैन मेक ए रेक्टेंगल. अच्छा पहले मैं थोड़ा सा ना ग्रिड को भी सेट कर दूं. चलो देख लेते हैं इसको, बाद में मैनेज कर लेंगे. रेक्टेंगल में गए, लेट्स से दिस इज दी माय वन ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल. ये उसकी पैनल की अपर सरफेस हो गई, ये लोअर सरफेस हो गई, ये साइड आ गई, साइडें आ गई उसकी. अगर आपने डेंड्रल शो करनी है शो दिस वन, दोबारा पैनल लेआउट में जाता हूँ मैं, दोबारा भी ये क्रिएट कर सकता हूँ. देखें मैं पहले ही कर लेता ग्रिड सेट तो मुझे आसानी होती. अब देखें वो उसके साथ मैचिंग में मुझे कितना प्रॉब्लम आएगा, तो ये भी एक पॉइंट है. बहरहाल मुझे मैचिंग की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका आ गया. अगर वैल्यू डालनी है तो मैंने डाल दी जी. ओके कर दिया. ये सर देखें ये -150 क्यों? देखें इसकी जो ग्रिड सेटिंग है ना वो हम ले रहे हैं, ठीक है जी. जो तो सही है. 150 by 50 वो साइज ले रहा है और अप एंड डाउन की तरफ, ठीक है ना. इसकी डिमेंशन इस तरह से है, वो कैड के अंदर उस तरह से है. अच्छा +150 वाला पार्ट कौन सा होगा और माइनस वाला कौन सा होगा? देखें ये है, ये देखें ये ब्रेक बॉक्स है, दैट हाँ इज जी एक्चुअली एन 150 इज योर एक्स एक्सिस, एंड ये आपका वाई एक्सिस है जो कि 150 है, माइनस में जा रहा है, ठीक है जी. ये 150 माइनस और ये 150 पॉजिटिव. वन फिफ्टी माइनस और वन. सर जी ये देखे ना, ये ऊपर वाला जो पार्ट है नहीं वो तो ये सिर्फ आपकी डिमेंशन है, उसको बनाने का तरीका है, नथिंग एल्स. इसकी डिमेंशन इस तरह से दी हुई है. आप उसको अगर आप कैड वाइज समझना चाह रहे हैं तो आप उसको 150 150 समझ लें. 150 एक्स एक्स एक्सिस, 150 वाई एक्सिस. जैसे कि लेंथ 150 और विड्थ 150 ऐसे. जी बिल्कुल. नहीं सर, इसमें हम पैनल जो जो अपना एग्जैक्ट साइज होता है वो क्यों नहीं एंटर कर रहे? मतलब जिस तरह विड्थ में 800 भी पैनल होते हैं और 600 भी, हाइट में 2200 होते हैं और डेप्थ में आपके ज्यादातर जी सिक्स जी हंड्रेड बिल्कुल सिक्स थर्टी बिल्कुल या 800 तक बिल्कुल होते हैं. बिल्कुल वही एंटर करेंगे. मैं वही बना रहा हूँ लेकिन थोड़ा छोटा स्केल किया. वजह उसकी ये है, ओके ओके ओके. देखे मैंने 150 by 150 किया, दो बनाए हैं वो खत्म हो गया. अगर मैं 2200 वाला बनाता तो वो पेज से बाहर निकल जाते, तो मुझे ओके इसका भी ओके स्केल सेट करना पड़ेगा. फिर
नो इश्यू, आप एक्चुअल वही बनाने हैं आपने, मैं वही बना रहा हूँ, ठीक है? आप अपने एक्चुअल पैनल का लेके उसको लेआउट डिजाइन करें आप। अच्छा जी, आप देखें यहाँ पे मैंने एक, अभी भी हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि तो जो पार्ट्स हम लाएंगे वहां से उसकी अपनी डिमेंशन है। ये देखें जरा, अब हम कहते हैं जी एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि हम जो हमारे पार्ट्स डाउनलोड हुए हैं हम उसको देखते हैं यहाँ पे कैसे प्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जब जहाँ हमने डाउनलोड किए थे तो ये कई पार्ट्स आए हुए हैं, तो इसको हम करते हैं जी एक्सट्रैक्ट। ये है जी ए टू वी वाला आ गया, कमर्शियल डाटा रीडमी DXF फाइल्स है। ये DXF है, इसको हम ड्रैग करके अगर इधर ले आए कहीं पे भी रख दें, पहले मैं साइड पे रखता हूँ, देखते हैं यहाँ से देता क्या हमें। स्केलिंग है इसकी, पोजीशनिंग है वो हम कर सकते हैं फिलहाल। हम हमारे पास ये पैनल आ गया, ये जिसको हम एक्चुअली यहाँ प्लेस करेंगे। आप देखें तो क्योंकि ये एक्चुअल में पैनल छोटा हुआ है, डिमेंशन एक्चुअल में नहीं बना, तो ब्रेकर साइज सही आया है, वो अपने राइट डिमेंशन के मुताबिक आया है, इसलिए ज़रा बड़ा लग रहा है इसके अंदर। तो लेट से मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर देता। ये टू पोल हो गया। अब आपने जो 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 पैनल्स की लेआउट ड्राइंग्स होती है शॉप ड्राइंग्स, वो आपने क्रिएट करनी है लाइक दिस वन, अगर आपने देखी हो। ये बनानी है जी आपने, इसमें देख लीजिएगा जो कंपोनेंट आपको मिलते हैं आप उन्हीं के तहत बनाएं, ठीक है जी? अगर कुछ कंपोनेंट नहीं मिलते तो उसको फाइंड आउट भी किया जा सकता है उसको DXF फाइल। और अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं, आप ऑटो कैड के अंदर वो कंपोनेंट बनाएं, ये देखें ये आप बना सकते हैं ऑटो कैड में। इसमें क्या है भाई, लाइनें लगाई हैं, सर्कल लगाया अंदर, उसने ट्रिमिंग की हुई है और साथ लिख दिया बस, और उसको DXF में बनाए और इधर ले आए। देयर नंबर ऑफ वेज, इसकी बनी बनाई फाइल्स भी आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं, DXF फाइल डाटा फॉर ब्रेकर्स, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। सर टूकैड में इसको सेव एज करके DXF फाइल की तरफ सेव की तरह सेव करेंगे जी, और फिर इसी तरह लेके आएंगे यहाँ पर ना। हाँ जी, फिर इसी तरह ले आएंगे। ओके सर, डायमेंशंस में तो फर्क नहीं होगी फिर? नहीं, आप अपनी डिमेंशंस के साथ लेकर आए, आप उन डिमेंशंस के बगैर लेके आए। देखिए कोई भी ब्रेकर आप किसी भी मैन्युफैक्चरर का ले ना, सबसे पहले आप उसका मैनुअल निकाल लेना, उसका लेआउट दिया होता है बैक एंड से, फ्रंट एंड से, माउंटिंग से, बहुत डिटेल होती है अगर आप मैनुअल देखें तो उसके अंदर। तो वो आपको, अगर ब्रेकर आपके हाथ में नहीं भी है तो वो आपको डिटेल उससे मिल जाएगी उसके मैनुअल से। देन सिंगल पोल भी हमारे पास आ चुका है। अब देखें ये गड़बड़ क्यों कर रहा है, ड्यू टू दी साइज ग्रिडिंग, ग्रिड ग्रिड की वजह से। तो बहरहाल इसमें से जो ये डाटा है आप चाहे तो रीड कर दें, वो नहीं चाहिए। अब जो आपकी असाइनमेंट आ गई है ना, अब जो एक और आ गई है, मैंने बता दिया दिस इज दी योर असाइनमेंट, दिस टाइप का पैनल। एक घर की डीवी अपनी बना लें आप, कोई 10, एक मेन MCC भी लगाएं और उसके साथ लिख लें ये चीज़। एक मेन MCC भी लगाया, आगे आपका पास जाना चाहिए एक टू पोल के ब्रेकर, तीन होंगे हर फेज के लिए, ठीक है? बल्कि मैं आपको DB
दिखा देता हूँ एक, बस ये बेसिक्स ही दे रहा हूँ, बाद में उसको मजीद आपने एडवांस कर लेना, क्योंकि जो ऑलरेडी कर रहे हैं जैसे काशिप साहब हैं या बाकी लोग हैं वो चाहे एडवांस लेवल पे करें, लेकिन बाकी जो अभी इनिशियल लाइज कर रहे हैं ई प्लान को, सारे इसको ये देखें जी, ये है, ये मेन ले लें, ये है MCB टू पोल, और ये साथ लग गया ELCB, तो ELCB भी मिल जाएगा आपको, या RCC भी यूज कर लें, और आगे सिंगल पोल MCCB, तो ये तो वायरिंग में शो किया आपने, उसी पैटर्न से शो करते हैं सर, जी। सही RCB या ELCB कितने एम्प्स के लगाना लगानी होगी सर? आप नॉर्मल ले लें, अभी हमारा जो कंसर्न ज़्यादा रेटिंग्स पे नहीं है, हम हमें पता है, हम आपको पता है कि आपका लोड कितना ये है, या आप खुद डिज़ाइनर हैं, हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो वो आप एक नॉर्मल रेटिंग के 16 एम्प्स के ले लें, आप सिंगल पोल और 63 एम्प के ये ले लें जो कि टू पोल है, और ये कोई आप बड़ा ले लें 100 200 एम्पीयर का ले लें, तो ये आप लोगों ने क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि एक हैंडसेट हो जाएगा 2D के ऊपर भी, और मैटिक की भी 5 7 बनाएंगे तो वो भी हाफ सेट हो जाएगा। टू पोल का आप ले लें 63 का ले लें, अभी हमारा रेटिंग पे इतना कंसर्न नहीं है, एक्चुअली 6 एम्पेयर 2 एम्पेयर 10 16 18 32 ये सब का साइज सेम ही होता है, ठीक है ना, फिजिकल साइज जो उनका होता है, लिहाजा में दे कोई कंसर्न इतना नहीं है, ले जी। अच्छा ये आप ये भी याद रखें कि मंडे वाले दिन असाइनमेंट्स डे है, असाइनमेंट चेक होंगी, और ये ना समझिएगा कि फिर आगे चले जाएंगे, करके आ जाएगा ताकि ना, मेरा ख्याल है आप लोगों को भी मज़ा आएगा, सर शायद आ भी रहा हो आवाज़ को, ये इंस्टॉल हो जाए फिर मजा आएगा सर। ठीक है जी। अच्छा इनके कलर कलर भी आप चेंज कर लीजिएगा, या फिलहाल जैसे ही रहने देगा, तो इसकी कुछ चेंजेस करनी है राइट क्लिक सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में जाएं, ओके कर दें इसको, बास की प्रॉपर्टीज हैं और बास की प्रॉपर्टीज नहीं देगा, ये कलर जहाँ पे रेड है वो ब्लैक कर देते हैं, इस तरह ये जो लिप्स के कलर हैं ये भी आप ब्लैक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही चला दें कोई इशू नहीं। अच्छा अब आप जब एक्चुअल साइज वगैरह लेते हैं ये मैं इसके अंदर प्लेस करता हूँ जी, यही बाकी चीजें फिलहाल मैं कर देता हूँ डिलीट,
स्पीड के ऊपर है। ये तो सेट हो गया है। और भी अभी कर सकते हैं ये। हाँ बिल्कुल, ये नजदीक ही होते हैं, नजदीक कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, ये जिस तरह ये ग्रिड का जो इशू आ रहा है, इसको अब वंस द ग्रिड इज सेटअप हो गया है तो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल, मैंने बाद में किया है। हाँ, यानी कि उसको भी हम उसी वो पैटर्न पे ले गए जिस तरह हमने पहले ड्रॉ किया। जी बिल्कुल, वो मैंने उसी को चेंज मैंने कर दिया, अब वो देखें इसी वजह से सेट भी हो गए हैं। अच्छा, वन थिंग इज दैट के आप नए नए ब्रेकर भी उठा सकते हैं, अगर आपने सेम ब्रेकर लेने हैं तो डीबी में अक्सर सेम ही चलते हैं, तो जो नॉर्मल घर की डीबी होती है अभी यहाँ तक रहेंगे, घर की डीबी तक। जो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं वो ज़्यादा बड़े में चले जाएं, जो फ्रेशर हैं वो चाहे नॉर्मल पैनल पे चले जाए। अब या तो इसे कॉपी कर लें, ठीक है, या फिर आप नया वहां से इंपोर्ट कर लें जैसे आपको लगे। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिया और फिर मैंने कंट्रोल वी किया तो उसने मुझे कहा जी ये लो, एक दो हमने वो टॉपिक किया था डीबी डिजाइन वाला, हाउ टू डिजाइन डीबी फॉर अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैलकुलेशन वाइज, ठीक नहीं है, वो करते हैं हम किसी दिन ना, तो या नेक्स्ट लेक्चर में, उससे भी आपको ये डीबी के ब्रेकर कैसे निकालने हैं, साइजिंग कैसे आनी है वो आ जाएगी। कहीं से कॉपी करें नीचे ले आए। सो आई थिंक दिस इज दी सम अदर डेटा पे जाते हैं हम अपने पोर्टल के अंदर, और डेटा पे ढूंढ लेते हैं कि आपने इसके अंदर सर्चिंग कैसे करनी है। डेटा पोर्टल का यूज़ अगर आप बेहतर करेंगे तो फिर आपका डिज़ाइन बेहतर बनेगा। अच्छा, इसका मैंने कहा था पेड का फायदा क्या है, अब देखें यहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, फाइल को ड्रैग करता हूँ। अगर पेड होता तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी पार्ट मास्टर डेटा, ये सारे इधर आ जाते हैं, मैं सर्च करता यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आता, ठीक है, बात समझ रहे हैं। पेड के चार्जेस अच्छे खासे होते हैं, वो आप ई प्लान से रब्ता कर सकते हैं। मुझे दे दे, मैं जमा करा दूंगा। बंदा भी गया और पैसे भी गए थे, तो अच्छा जी, मैन्युफैक्चर के अंदर हम जाते हैं अगेन, तो पीएलसी का भी पैनल आपको डिजाइन करना पड़ सकता है, लाजमी नहीं है पावर के पैनल डीबी तो हों। सर वो भी एक आध कर रहा थे ना। देखें जी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में आ गए हम, और यहाँ से देखें पीसी बेस ऑटोमेशन है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में चले जाते हैं, और मोशन ड्राइव ये उसकी आ गई, सीमेंस की टीएनसी सेक्टर आ गया, ये उसकी पीएलसी आ गई, लोगो स्कीमेटिक आ गई, एडवांस कंट्रोलर्स,
नहीं जी 300 के आ गए। ये पावर सप्लाईज हैं उसकी, और ये उसके इंटरफेस मॉड्यूल्स हैं, फंक्शन मॉड्यूल्स, उसके सेंसर के मॉड्यूल, स्पेशल फंक्शन मॉड्यूल, DIDO, CPUs, PLCs यानी के। तो मैं फिलहाल CPUs को लेता हूँ। ES7315 2EH14 0AB0, ये उसका वो पार्ट नंबर है जो कि एक्चुअली मौजूद है सीमेंस का। जैसे कि ये है जी 6ES7315 2EH14 0AB0, अब ये हमारे पास लैब में मौजूद है ये वाला हार्डवेयर के अंदर। तो ये वो फिजिकल पार्ट है जो कि एक्चुअली मौजूद हैं, इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं जी। ये भी हमारे पास लैब में है 2AG10 0AB0 जी। इसकी मैंने फाइल ले ली है। इसके अलावा देखें ये दूसरे सीपीयू हैं सीमेंस के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1200। थ्री हंड्रेड में हम गए हैं, इसमें नहीं दिखाया, 300 के दिखाए हैं। हमें यहाँ से दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं मज़ीद चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, अब एक जो पैनल का रैक बनता है ना, पीएलसी के पैनल का रैक, अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी पहली पोजीशन पे आती है पावर सप्लाई, नंबर टू पे सीपीयू आता है। अगर हम पीएलसी पैनल में जाकर देखें, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर देखें, ठीक है ना। अगर मैं उसे भी खोल लूँ कल, इंशाल्लाह जो इंटर्नशिप का सेशन होगा उसमें भी हम ये पीएलसी का करेंगे, उसमें पीएलसी की है वो। लेकिन मैं उसमें रैकिंग की कंडीशन बता दूँ कि आपने प्लेसमेंट कैसे करनी है, एक्चुअल पैनल बनेगा कैसे। जो लिखा है PS तो उसमें कम कर दें। अब ये पावर सप्लाई है 400 की, पावर सप्लाई 60 वोल्ट DC, जबकि जो हमें चाहिए वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये भी ठीक है, ईथरनेट स्विच के साथ है पावर सप्लाई। इस सॉफ्टवेयर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस कोर्स के अंदर, लेकिन मैं आपको उसके पीएलसी की रैकिंग का सिस्टम बताने लगा हूँ। ये देखें, इसके सॉफ्टवेयर है, ये वही सीपीयू है जो हमने सेलेक्ट किया है 2AG10 0AB0 2AH14 0AB0। जब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, आपको पीएलसी का पैनल भी डिज़ाइन करने को आ सकता है, चाहे आप उसका कंट्रोल ना कर रहे हों एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसकी प्रोग्रामिंग ये वो कंट्रोल वाले कर रहे हों। खासकर ENC का डिपार्टमेंट इकट्ठा भी होता है, इलेक्ट्रिकल एंड कंट्रोल, खासकर इंस्ट्रूमेंट और कंट्रोल इकट्ठा होता है, डिपेंड है। ये देखें जी, रैक पे लग गई है, दो है सीपीयू लग गया,
ये पावर सप्लाई है, यहाँ से जो पावर सप्लाई मिले वही लगा लें या कोई भी लगा लें। वन पे लग गई, आगे आगे अगर तीन पे कुछ लगाना लगा लें, तीन में खाली भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे आईएम मॉड्यूल मौजूद थे, तीन पे आईएम लगा दिया और बाकियों पे मैंने अपने सिग्नल मॉड्यूल लगा लेता हूँ, डीसी के लगा लेते हैं हम, डी आई जी, मेरे रैक के अंदर चीज़ें लग रही हैं। अब ये जो चीज़ है हमें पता है, हमने लगाई है, मजीद भी लगा सकते हैं 11 तक, मैंने इतना लगा ली। यही पैटर्न आपने कहाँ लगाना है, ये प्लान के अंदर। ले जी, अब वो लेकर आते हैं आपका क्या कहते हैं, सीपीयू को ले आते हैं इधर, बाकियों को आप डाउनलोड करके सर्च करके टाइम लगा के यहाँ लेकर आएंगे। सर जी, ये पीएलसी पैनल का दोबारा थोड़ा सा बताएं कि उनका कैसे अरेंजमेंट होता है, पावर देखें सप्लाई के बाद सीपीयू, उसके बाद क्या चीज़ें आती हैं। देखें, सीपीयू आया, उसके बाद ये एक ऑप्शनल चीज़ आई है, इंटरफेस मॉड्यूल, ये लगाना चाहें लग सकता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ऑप्शनल चीज़ होती है। ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए या आपस में कम्युनिकेशन के लिए। ये होता है किसी और आगे मॉड्यूल पीएलसी के साथ या आपके आरटीयू के साथ कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है जी। आपके रिमोट एरिया के अंदर दूसरा रैक भी है, दूसरे रैक के साथ कम्युनिकेशन के लिए होता है। नहीं समझ आई, वैसे ये हमारा स्कोप ऑफ द कोर्स नहीं है, लेकिन चले मैं इसको बता देता हूँ। ये देखें, मैंने एक और रैक लगाया और ये मैंने इसको आईएम लगा दिया, सेंडर रिसीवर वाला, ठीक है जी। आप देखें, जब प्रॉफी बस लगेगी इसके साथ केबल, तो ये वाला मॉड्यूल इसके साथ कनेक्ट होगा, तब आपके पास ये वाले मॉड्यूल फिर आने लग जाएंगे, इनकी कम्युनिकेशन भी तब हो जाएगी आपके साथ, वरना ये मॉड्यूल का इस सीपीयू के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ये इसको तब भी कंट्रोल करेगा जब ये इस दोनों आपस में वाया प्रॉफी बस कनेक्ट हो जाए, तो आईएम एक्चुअली ये काम कर रहा है, इसके अलावा इसको कोई काम नहीं है। तो बहरहाल ये ऑप्शनल है, ये आगे हमारे डी आई डी ओ मॉड्यूल लगे होंगे, आपने एक ही रैक बना ले जाए इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ले आना है तो मैं इधर जाता हूँ अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन के अंदर। अभी मैंने डाउनलोड किया एक सीपीयू, आई थिंक यही होगा, हाँ जी, 2A14। अच्छा, इसका फायदा एक बहुत ज्यादा ये भी है ई प्लान का, देखें फिलहाल मैं साइड पर रखता हूँ। देखें ये इसका व्यू आया है डिफरेंट, अभी इसका पार्ट डिफरेंट है, दूसरा देखते हैं, इसमें बहुत सारी फाइल्स है, उसने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दी हुई है हमें, अभी जर्मन भी लिखी हुई है। अदरवाइज आप पैनल लेआउट वाला जो इंग्लिश में अगर लिखा हो, पैनल लेआउट से हम डाटा ले लेते हैं, ये इसका एक्चुअल व्यू है सीपीयू का, यू कैन सी दैट, यही है एक्चुअल जो के हार्डवेयर में भी मौजूद है। अगर आप इधर जाएं इसके ऊपर, तो इसमें भी देख लें, ये देखें टू पोर्ट्स हैं, एक एमपीए एक डीपी पोर्ट है, देखें एमपीआई एंड डीपी पोर्ट, ठीक है जी। ऊपर से अगर हम देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है सीपीयू 3152 डीपी, तो ये सिमंस के सॉफ्टवेयर 3152 डीपी, ये सिस्टम फॉल्ट है, ये बस फॉल्ट है, यहाँ पे देखें तो ये देखें वही 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 पिन है। एक्चुअली सेम पार्ट नंबर के साथ हम अपने पैनल को डिजाइन कर सकते हैं एक्चुअल रियलिटी के अंदर, यानी कि
जैसे कल आप लोग कह रहे थे जी वो जी असल पार्ट कहाँ से आएगा, तो ऐसे आएगा। तो दिस इज द सीपीयू 2AG10, वही मॉडल नंबर उठाया तो वही चीजें आएंगी, इनके भी वही वही उठाए तो आपका एक्चुअल पैनल बन जाएगा यहाँ। और फिर इसी तरह आपने इस रैक के अंदर प्लेस करना है, पार्ट्स पे रखें, सीपीयू रखें, फिर बाकी मॉड्यूल्स रखें, यहाँ से सर्च करके आपने ले लेना है। ये देखें कितनी जबरदस्त ड्राइव रखी हुई है इन्होंने, इसको खंगालेंगे बहुत डाटा मिलेगा। आज तो समान सब खंगाल दिया आपने, वो सही खंगाला हुआ, उधर उधर इधर उधर जिग जैग बहुत कुछ। मैंने इसलिए पूछ लिया था शुरू में कि चीजें कंट्रोल में है ना। हाँ ये बेसिकली वो है, जरा प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के अलावा थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, विजिलेंट रहने की जरूरत है कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये इसका भी एक व्यू आया है, तो इस तरह ये 6 फाइल्स हैं, डिफरेंट व्यूज मौजूद है। हमें चाहिए फ्रंट व्यू, वो आप देख लें किस फाइल के अंदर होगा किसी भी पार्ट का। ये तो मैंने एक रैंडमली एक ड्राइव का डाटा उठा लिया है, तो आप अपने रेलेवेंट फाइल्स उठाएं। वीडियो आपको मौजूद है ठीक है, ये वाली आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख के इस वाली को, इस वाली के साथ इसको कॉपी करना है आपने और 1 DB को कॉपी करना है। तो LT साइड भी होगी और आपका कंट्रोल साइड भी होगी, उसके बाद आएगी मेन पावर साइड। वो अगले में कोई और एग्जांपल एक देख लेंगे जिसमें आप कोई ACB लगा के मेन, बल्कि आपको सिंगल लेंथ पढ़ाई थी वो भी कर लें, ले जी वो भी ले लें आप। सिंगल लाइन आपने आई थिंक देखी थी लास्ट टाइम, ठीक है ना। ये है जी हमारे पास, डिफरेंट पैनल बनाए, लेआउट्स में आ रहे हैं आपने सिर्फ। अब देखे ना सारी चीजें लिंक हो रही हैं, कैड भी निकल आया, PLC भी निकल आई है, पी प्लान भी है, ये एक्सेल भी निकाल लेते हैं। टूल्स लाजमी यहाँ में आना, अगले आगे इंशाल्लाह हम नई टैब शुरू कर देना है। पहले बिल्डिंग वाला, फिर डायलेक्ट से एक टूल है वो करना है हमने। टूल्स आर इम्पोर्टेंट। अब आपने ये करना है कि ये जो VCB लगाए एक ब्रेकर सिंपल 11 KV प्रोडक्शन पैनल का, 3 फीडर निकाले थे हमने और आगे जाके ACB को देके और मेन सब मेन पैनल में चले गए थे। इनकी पूरी आप एक कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन कर दें, इस सिंगल लाइन को आपने आपने बनाना है जी। VCB यहीं से ले लें चाहे आप, ये कंपोनेंट्स मिलते हैं तो ले लें, नहीं तो ये तो आपको मिल ही जाएंगे। ये ट्रांसफार्मर आ गया, नहीं तो इधर से ही आप ले लें चलें ACB से एक पैनल लगाएं, लेआउट्स करें और आगे ये MCCB के पैनल आ जाएंगे। MCCB डाउनलोड करें, उठा के रखते जाएं, 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, आपका ये सब मेन पैनल बन जाएगा और यहाँ से ये मेन पैनल बन जाएगा और आगे जो DB है वो मैंने पहले बता दिया आपको। तो आई थिंक अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए, प्रोफेशनल लोग हैं तो इतना बताना काफ़ी है, जो थोड़े फ्रेशर हैं वो डिटेल में मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये फाइल भेज दे ग्रुप में तो बस इसे कर लेंगे सर। हाँ जी ये पहले बहुत दफा भेजी हुई है, आपको दोबारा भी भेज देते हैं, कोई बात नहीं। चलें जी ये जो है ना, अब जी क्लियर हो गया पॉइंट ऑफ व्यू जी। असाइनमेंट्स कितनी आ गई हैं ई प्लान के ऊपर, सिर्फ एक ई प्लान के एक लेक्चर के अंदर
ड्राइंग्स वो हैं डीबी पीएलसी का, जस्ट वन रैक पैनल बना रहे हैं अभी से, अभी मल्टी रैक पे हम नहीं जा रहे फिर वो, और आप एक्चुअल डिमेंशन के साथ करें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो गर्म मज़ा आएगा। ठीक हो गया, तो एक एटीएस पैनल का भी करा दे सर, तो एलटी का हो गया डीबी का हो गया, ये चीज़ें होगी जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कर लें, आप मुझे बताएं आगे चलें या रुकें। नहीं नहीं रुकें सर, रुकें रुकें। ठीक है जी, मेरी तो ये ओपिनियन रुकना चाहिए थोड़ा सा ये, क्योंकि ना बहुत वो है आज का लेक्चर, काफी वो है ओवरबर्डन है, इसको बहुत क्रिटिकली रिव्यू करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा है सर। अच्छा इसमें मसला सर ये है कि अभी ई प्लान हमने स्टार्ट करना है, जैसा नया प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं उसमें जिसका आपने अभी आपका पैनल लेआउट पीएल वो मेंशन हुआ है, इसके नीचे एक ई डबल ए आ रहा है और इसके नीचे मेरा एक सी ए भी आता है या सी ई भी आता है, तो वो क्या चीजें होती सर वो समझ नहीं लगती। एक दफा काइंडली आपका तो ये प्रोजेक्ट खुले हुआ है ना, एक मिनट जरा आप क्या चाह रहे हैं जरा ताहिद साहब रिपीट कीजिएगा सर। जिस तरह अभी आपका सिलेक्शन में पैनल लेआउट पेज खुला हुआ है ना, ठीक है आप, अच्छा आप तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम बिल्कुल न्यू ही खोलना चाह रहे हैं तो उसमें मसला आता है। ठीक है ठीक है, आपका मतलब एक जी एक पेज बनाना फिर दूसरे पेज बनाना, मतलब कंट्रोल के लिए अलग पावर डायग्राम के लिए अलग, मतलब मैंने तीन पेज बनाने हैं उस एक प्रोजेक्ट में तो किस तरह बनाऊंगा। ठीक है वो हाँ वो आपका था वो शुरू में भी कि सेटिंग कैसे है, तो देखें जी यहाँ पे मैं गया फाइल के अंदर और ये है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आप दें जी प्रोजेक्ट नेम, लेट से मैं कोई भी दे देता हूँ प्रोजेक्ट नेम, लोकेशन एंड द बेस रिवीजन, वही बात है मेरा पेज छोटा था तो मैंने उसको जल्दी से स्केल नहीं किया या मैंने कोई बदली नहीं, आप यहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, और ये है उसकी स्पेसिफाई क्रिएशन डेट, तो ये जब बनाना है जो भी है वो दे दें, क्रिएटर कौन है वो आप लिख दें, नहीं तो डिफ़ॉल्ट छोड़ दें वो ई प्लान अपना लगा देगा लोगो, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। और कोशिश आप ये करें प्रोजेक्ट यूँ ही क्रिएट हो, जो विंडो आती है उस विंडो के अंदर अपना डाटा डिटेल में डालें, देखें मैंने डाला हुआ था पिछली वाली में तो वो हर दफ़ा वो मेरा डाटा आता है, यहाँ पे आप अपना डिटेल डालें, हर डिटेल डालें, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डालें, ताकि आपको जब भी कोई आपने नया पेज बनाना है आपको पे आपका छप्पा लगा हुआ है तो उसका आपको फिर लगे भी कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, वहाँ पे जर्मन या ये चीज़ें ना आ रही हों डिटेल, तो यहाँ पे अपनी बेस में जॉब नंबर डालें आपकी, अपना भी हर कंपनी का एक जॉब नंबर होती है 00157 जो भी है उसका, पैटर्न कमीशन कंपनी नेम एड्रेस प्रोजेक्ट स्टार्ट क्रिएटर फैक्स, ये सारी डिटेल डालें अपनी, तो उससे क्या होगा जब आप ये डाल लेंगे, ये डिस्क्रिप्शन है मैं कहता हूँ जी कंट्रोल पैनल जॉब नंबर मैं कहता हूँ जी BES00191 कमीशन कह लें जी BES कोई भी ले लें जो भी है, कंपनी नेम, तो यूँ आप डालते जाएं, मैंने ये तीन चार है मैंने पहले भी वीडियो में होगा वो वहाँ से आप देख भी सकते हैं फिर भी दिया हुआ है, सारा फिल करेंगे तो मैं उसे ओके करूँगा सिर्फ, तो देखें जी मेरे पास ई प्लान ये देखें ये संडे था थ्रेड का नाम खुल के आ गया और इसका पेज भी बन गया, ये देखें तो ये पुराने वाला ये टाइटल पेज है इसका, प्रोजेक्ट का नाम था ये और जॉब नंबर ये थी और कमीशन ये था। मैं समझ गया सर, अब इस संडे के नीचे जो सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट खुला है ये क्या चीज है, या इसमें कोई और पेज ऐड करना चाहूंगा तो किस तरह करूंगा।
देखें आप, ठीक है अब ये एक पेज बन गया, अब आपने नया पेज डालना है। आप ये संडे पे ही क्लिक कर लें, इधर क्लिक कर लें, जहां भी क्लिक करेंगे उसके अंडर पेज आएगा। ठीक है जी, ऑब्वियसली ये एक है, अब आपके ये मल्टी भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें करेंगे तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, उसने हेडिंग दे दी है और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपके और भी डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। अब आप एक लहदा से भी अगर देखें, यहाँ पे मैं जाता हूँ, राइट क्लिक किया और मैं कहता हूँ न्यू, मैंने संडे पर रख के न्यू किया तो वो बाहर जाएगा। पेज नेम है जी, लेट से आप कह लें जी स्टार डेल्टा। अच्छा पेज की टाइप हमारी क्या है, पैनल लेआउट नहीं हमारी, अगर स्कीमेटिक्स है तो स्कीमेटिक करेंगे, मल्टी लाइन स्कीमेटिक मल्टी लाइन या पैनल लेआउट ये हमने देखी है अभी, तो ये कर दें। टाइटल पेज टाइटल वो भी स्टार डेल्टा कर दें, अभी ये इतना ही रहने दें या जैसे भी सेट करना है, और मैंने इसे ओके कर दिया। अब देखें ये पेज खुल गया आपका, ये देखें उसके अंडर आ गया। इसी तरह आप यहाँ क्लिक कर दें या इधर करेंगे तो इधर से भी कर सकते हैं आप, इसको भी कोई नाम दे दें आप, और पेज का कोई टाइटल दे दें, मॉडल व्यू पैनल लेआउट, ओके कर दें। अब वो देखें जी वो भी आ गया उसके अंदर। इस तरह आपका ये पेजेस यहाँ से क्रिएट आप करते जाएंगे। तो इसको जस्ट एक दो पेज क्रिएट करके जितना जितना करवा रहे हैं उतना उतना करते जाएंगे तो पक्का होता जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा मिक्स होता जाएगा। थोड़ा सा हटके है सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा अभी रिपोर्टिंग है वो भी काफ़ी चीज़ है, तो करेंगे वो भी। पेज क्रिएट करना आ गया और प्रोजेक्ट का सेटअप भी आ गया आई थिंक सो। ताहिर साहब ओके है जी? जी जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ यहाँ से जो भी है आप उसे ना देखें, आप देखें मेरा ये संडे वाला है, इसके अंदर मैंने काम करना है, बस मेरे पेजेज इधर हैं, बस दैट्स ऑल। जी जी ओके, थैंक यू। चलें जी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को मुलाकात होगी विद असाइनमेंट्स। ठीक है। अच्छा सर, ये जो जो लोग ट्रेंड हैं, मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो काइंडली वो अपने ग्रुप में नाम शेयर कर दें, इन जस्ट इन केस के उनसे कोई इंफॉर्मेशन या कोई टेक्निकल बात पूछनी पड़ सकती है, उनसे छुट्टी भी दिलवाई जा सकती है। हाँ जी ठीक है जी, चले वो आप आपस में जो भी करना चाहते हैं आपस में गेट कर सकते हैं। थैंक यू जी, इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, कोई इशू हो आप पूछ सकते हैं। कल किसी ने ज्वाइन करना है इंटर्नशिप सेशन तो वो 8 बजे ज्वाइन कर ले, PLC का हमारा जो इंटर्नशिप सेशन है। ओके सर।